हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो ट्राइपॉड मैं यूज़ करती हूँ, जो माइक मैं यूज़ करती हूँ उसका रिव्यू। तो किसी भी यूट्यूब जो क्रिएटर हैं, बिगिनर हैं, उनके पास बहुत सारा अभी इस तरह का स्टूडियो या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि जो वो यूज़ कर पाएँ। तो मैं भी खुद एक बिगिनर ही हूँ, तो मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में इस तरह के प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं कि जिन्हें मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर पाऊँ, और जब मैं ग्रो कर लूँगी तो फिर मैं और अच्छे अच्छे और ब्रांडेड और अच्छी चीज़ें ले पाऊँगी जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ज़्यादा आपके क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है। फ़िलहाल जब तक हमारे पास उतना मनी एक्सपेंड करने के लिए नहीं है, तब तक के लिए आप कम में काम चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मंगाया है, ये माइक है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं कि अच्छी है। इसका जो वायर है, वायर काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का इसका वायर है, तो आप आसानी से इसे, आप कुछ डिस्टेंस से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वॉइस वगैरह भी अच्छी है। फ़िलहाल इसकी प्राइस आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इसकी प्राइस है ओनली 100 रुपीज़। ये मैंने 100 रुपीज़ में मंगाया है फ़िलहाल के लिए। मेरे लिए तो ये यूज़फुल है, और आई थिंक किसी भी बिगिनर के लिए यूज़फुल ही प्रोडक्ट होगा। मुझे इस तरह के पैक में रिसीव हुआ है, बबल रैप में था, ये छोटे से सेल्फिन पैकेट में थी, उसके साथ ही बबल रैप करके आया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी इसमें डिस्टर्ब नहीं मिला, कुछ भी डिफेक्टिव नहीं हुआ था। तो इस तरह के पैक में मुझे ये रिसीव हुआ। इसकी क्वालिटी अभी तो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, काफ़ी अच्छी है। मुझे आई थिंक 4 to 5 मंथ से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे इसे यूज़ करते हुए, तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। आप इसे लेना चाहते हैं अगर कम प्राइस में, अफोर्डेबल बिगिनर हैं तो आप अभी कम में ही काम चलाइए, तो उसके लिए अच्छी है। आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप वहां से जा करके इसे ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं जो ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ वो है ये भी। अब मुझे अंडर 300 में मैंने इसे मंगाया था, आई थिंक 250 या 280 रुपीज़ का था ये। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है। फ़िलहाल मुझे अभी इतने कम में ही काम चलाना था और मेरे पास अभी बजट नहीं था इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने का, तो फ़िलहाल इतने में मेरे लिए ये मुझे अब मिल गया है, तो मेरा काम चलता है अभी फ़िलहाल, और इतना भी बुरा नहीं है जिस प्राइस में आपको मिलता है ये। तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी आप देख पा रहे हैं कि, आप देखिए यहाँ से 3 फोल्ड्स हैं, ये 3 फोल्ड्स तक ओपन हो जाते हैं, जिससे कि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है यूज़ करने के लिए। तो अब मेरे लिए तो मुझे ये सही लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी भी इसकी ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है, और यहाँ से ऐसे आप इसे जो आपको लगाना हो तो आप ऐसे ओपन करके लगा सकते हैं इसे, और यहाँ से आप इसे लूज़ और लूज़ टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इसे और ऊपर कर सकते हैं या कम पे सेट करना चाहते हैं, जितना तो एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये जो हेड इसका लगा हुआ है, इसे भी आप यहाँ से ऐसे लूज़ करके राइट लेफ़्ट जिधर भी आप टर्न करना चाहें उधर कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको नॉब मिल जाती है, यहाँ से आप इसे जिधर चाहें उधर टर्न, पूरा इसका जो हेड है इसे टर्न करने के लिए यहाँ से टर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे ये मोबाइल होल्डर भी साथ में मिला था, इसके फ्री मिला था, तो आप इसे यहाँ पे यूज़ करके आप अपने मोबाइल को अटैच कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस मोबाइल से ही बनाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। अपने मोबाइल को यहाँ लगा दीजिए, और जितने भी हाइट पे आप इसे सेट करना चाहते हैं इस ट्राईपॉड को, उतना सेट कर लीजिए। काफ़ी यूज़फुल है ये प्रोडक्ट, और एक बिगिनर के लिए तो वरदान है इतने कम प्राइस में मिल जाना। कम प्राइस में अभी आपको मिल जाता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसे भी मैं लगभग 4 to 5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए सूट करना होता है, उसके बाद तो ये रखा ही होता है। इस तरह के बैग में मुझे ये मिला था, और साथ ही साथ इस तरह के कार्डबोर्ड में आया था। इस कार्डबोर्ड के अलावा एक और कार्डबोर्ड के अंदर ये पैक ऐसे रखा हुआ था, और ये बॉक्स जो है एक और ही कार्डबोर्ड में के बॉक्स में रखा हुआ था, तो ये भी सेफ्टी के साथ आया था, तो काफ़ी अच्छा था, अच्छे से रिसीव हुआ, मुझे कुछ भी डिफेक्टिव नहीं हुआ था आते आते। तो मेरी तरफ से अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड है, एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में आपको इस तरह का ट्राईपॉड और माइक मिल जाता है। फिलहाल अभी तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ,
आगे चल के देखते हैं, जैसा अगर मैं कुछ और प्रोडक्ट्स लेती हूँ तो फिर उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इन प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको लेना है पसंद आता है तो वहाँ से जा करके आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।